एल ब्लॉक स्ट्रीट फूड, सोडा स्ट्रीम इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट बिरयानी। तो ये वो चीज़ों में से हैं जो खुलती मशहूर हो जाती हैं। मतलब कि ये सारी गाड़ियाँ जो खड़ी हैं, बाइकें खड़ी हैं, फूड पांडा और उधर तक जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो सिर्फ इसके लिए हैं। और भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं। हाँ भैया, तो मेरी वीडियोस नहीं आई, दो दिन हो गए। क्या सीन है, क्यों नहीं आ रही? डेली ब्लॉगिंग का कहा था लेकिन वीडियोस नहीं आ रही। तो यार कुछ रीज़न है उसके पीछे के, वीडियोस क्यों नहीं आ रही और मैं क्यों नहीं डाल रहा। तो जो पहला रीज़न है, तो पहला रीज़न है नो स्टोरीज। आई गॉट नो स्टोरीज। तो मतलब ये यार देखो, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि एक स्टोरी की तरह बनाऊँ कि आप लोग उसको एंजॉय करो, आप लोग बोर ना हो। लेकिन अब ब्लॉग बनाने के लिए स्टोरी चाहिए और स्टोरी के लिए आपके दिन में कुछ चीज़ें होना चाहिए। अब देखो, जैसे कि आपको मैंने अपनी रूटीन में बताया था, मेरी रूटीन में कुछ नहीं है। सुबह मैं वॉक पर जाता हूँ, वो मैं रोज़ रोज़ दिखाऊँगा, बोरिंग हो जाता है वो स्टोरी में नहीं आता। फिर मैं घर में रहता हूँ, मुश्किल से कभी काम के लिए निकल जाता हूँ, कभी निकलता हूँ घर के काम के लिए, तो हर वक्त मैं अम्मी का वगैरह का मोबाइल लेके नहीं जा सकता। वो मेरा दूसरा रीज़न है, उसमें आप देखेंगे। तो यही सीन होता है कि मेरे पास स्टोरीज़ नहीं है। मैं ना स्कूल जा रहा हूँ, ना कोचिंग जा रहा हूँ, छुट्टियाँ, घर में बैठा हूँ, पबजी खेल रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। वो कुछ चीज़ें चंद चीज़ें वो एक दो दिन दिखाऊँगा, तीसरे दिन थोड़ी दिखाऊँगा। तो ये सीन हो रहा है कि मेरे पास कोई स्टोरीज़ नहीं आ रही अभी, इसलिए मैं कॉन्टेंट नहीं बना रहा अभी। मैं डेली ब्लॉगिंग से हट रहा हूँ पीछे, बस आई एम फेड अप यार, आई एम टायर्ड, इट्स ओवर नाउ। खैर हाँ, मुझे तो ये भी पता आप लोगों को कोई परवाह नहीं है कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ कि नहीं डालूँ। आप लोग कौन सा देखते हो, आप लोग को मज़ा ही नहीं आता, कोई सपोर्ट ही नहीं करता यार। फिर भी एक चंद लोग हैं मेरे दोस्त हैं, खुशी के लिए लाइक कमेंट कर देते हैं यार, उन्हीं के लिए चलो सही बनाता हूँ, तो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ यार। बाकी यार इंशाल्लाह बनाएंगे यार। अभी पहला रीज़न तो आपको मैंने बता दिया कि पहला रीज़न है मेरे पास स्टोरीज़ की कमी है, मेरे पास स्टोरीज़ नहीं है। और बिना स्टोरी के एक ब्लॉग समझो, क्या समझो, बिना स्टोरी के ब्लॉग क्या बोलूँ मैं यार। हाँ, बिना स्टोरी के ब्लॉग मतलब कि बिना फ्राइज़ की जिंगर, जिंगर के साथ जब तक फ्राइज़ नहीं आया ना तो अच्छा नहीं लगता। ऐसी बिना स्टोरी के अगर ब्लॉग आए ना तो अच्छे नहीं लगते। तो ये तो हो गया हमारा पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न क्या है? हाँ भैया, तो दूसरा रीज़न है नो मोबाइल फ़ोन। अब नो मोबाइल फ़ोन मैं क्यों कह रहा हूँ कि जैसे कि जो पहले से देख रहे हैं उनको तो पता है, और जो उनको नहीं पता वो मैं बता दूँ कि मैं कराची में रहता हूँ और कराची में बंदे का फ़ोन छीनना एक आम बात है। तो ऐसे ही अभी तकरीबन 1.5-2 महीने पहले मेरे पास एक फ़ोन था, इन्फिनिक्स हॉट 10, वो मेरा छिन गया। अब वो छिन गया तो अभी फ़ोन है नहीं, अभी मैंने लिया नहीं है नया। तो अभी आजकल वीडियोस बनाने में यही मसला हो रहा है कि आजकल मैं बनाता हूँ या तो अपनी अम्मी के मोबाइल से, जैसे कि मेरी अम्मी का मोबाइल है, या फिर अपनी नानी के मोबाइल से। अब उसमें फिर क्या सीन आ रहा है कि जो है ना, देखो मैं अब जैसे बाहर वगैरह कहीं जाता हूँ तो हर जगह अम्मी और नानी का मोबाइल तो लेके जा नहीं सकता, तो वो मैं शूट नहीं कर पाता, उससे एक स्टोरी में कमी हो जाती है। और दूसरा कि जब अगर भाई देखो अपना मोबाइल होगा तो मैं कहीं पर भी जाऊंगा, मेरी जेब में होगा, और फिर जैसे ही मुझे कोई भी चीज़ की वीडियो बनानी है फ़ौरन जेब से निकाला और बना ली वीडियो। लेकिन अम्मी नानी का मोबाइल उनके पास होता है, उनके भी 100 काम होते हैं, हमारे पास हम दूसरों की अमानत हम लोग थोड़ी रख सकते हैं ना। तो ये दूसरा रीज़न था कि भाई मोबाइल नहीं है। बाकी तीसरा रीज़न आपको स्टूडियो में चल के मिलते हैं। हाँ भैया, तो तीसरी रीज़न है क्रिएटिव स्टोरी। तो मैं जो चाहता हूँ ना कि यार जो मेरी स्टोरी हो उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी हो, थोड़ी मतलब स्टोरी टेलिंग का स्टाइल हो, ताकि आप लोग बोर ना हो। एज अ व्यूअर मैं हर व्लॉग में या फिर हर वीडियो में यही देखता हूँ कि मैं बोर ना हो रहा हूँ। अगर मैं बोर हो जाता हूँ कुछ भी सेकंड पे, तो मैं वो व्लॉग छोड़ के उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, तो फिर मैं उसको बाद में देखता नहीं। लेकिन हाँ,
जिस व्लॉग में मैं बोर ही नहीं होता, मतलब जितनी भी देर का हो मैं बोर नहीं हो रहा, मुझे देखने में मज़ा आ रहा, टाइम का पता नहीं चल रहा, तो मतलब वो व्लॉग अच्छा है। उसमें स्टोरी का टेलिंग स्टाइल अच्छा है, क्रिएटिविटी है उसके अंदर, उसमें स्टोरी टेलिंग स्किल्स अच्छी हैं उस बंदे की, तो उस बंदे की फिर व्लॉग्स देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो तीसरा रीज़न मेरा यही था कि क्रिएटिव स्टोरी, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मतलब वही ना कि अपने व्लॉग में मैं ऐसी चीज़ें, ऐसी स्टोरी टेलिंग करूँ, इस तरीके से स्टोरी टेल करूँ कि कोई बोर ना हो। तो उसके लिए मुझे थोड़ा मतलब टाइम चाहिए होगा, रोज़ के रोज़ जब कोई स्टोरी नहीं होती तो फिर स्टोरी टेलिंग स्टोरी क्या, मतलब स्टोरी टेलिंग क्रिएटिव वे कुछ हो नहीं सकता। तो इंशाल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि मैं अपलोडिंग ही छोड़ रहा हूँ, मैं वीक में एक दो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह ताला, और थोड़ी अच्छी क्रिएटिव वे में थोड़ी स्टोरी टेलिंग अच्छी बनाऊँगा ताकि आप लोग बोर ना हो, आप लोगों को भी देखने में मज़ा आए। तो ऐसे ही मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊँगा आप लोगों के लिए, आप फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह ताला, बस आप दुआओं में याद रखें, रिजल्ट भी आने वाला है तो भी दुआ में याद रखें, और थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी आपका भाई ट्राई करने वाला है, थोड़ी नई एडिटिंग स्टाइल करेगा तो आपका भाई थोड़ा जो है ना चैनल का पैटर्न बदल रहा है। तो यही कहना था, तीसरा हो गया, और अभी तक के लिए जो हमारा स्टूडियो है वो यही है हमारा कमरा, बाकी इंशाल्लाह टेबल वेबल बनवाते हैं उसमें भी कुछ करते हैं, थोड़ा और अच्छा स्टूडियो बनवाते हैं, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये मेरी कुछ रीजंस जो थी वो अगर सही लगती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें जो भी दिल करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें अगर करना चाहते हैं आप, सोशल हैंडल्स मेरे नीचे आ रहे हैं। बाकी फिर तब तक के लिए एंड नवाजिश, टाटा बाय बाय।